नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हाँ, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे के लिए दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सहित कई गणमान्य हस्तियां होंगी शामिल। महामारी के बाद के विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल आज एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और लग्जमबर्ग के बीच बीते दो दशकों में यह पहली शिखर बैठक। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर करेंगे चर्चा। और आज विश्व शौचालय दिवस है। इस बार की थीम है सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व में सभी लोगों को 2030 तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना संयुक्त राष्ट्र के 6 सतत विकास लक्ष्यों का है हिस्सा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान ने लिखी स्वच्छता की नई इबारत। और हमारा सबसे पहला एजेंडा बेंगलुरु टेक समिट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु टेक समिट 19 से 21 नवंबर 2020 तक चलेगी। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाउ है। इसके तहत महामारी के बाद के विश्व में उभरती मुख्य चुनौतियां और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी तकनीकों के प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। बेंगलुरु टेक समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमिलिन और कई अन्य गणमान्य हस्तियां भाग लेंगी। इनके अलावा इस कार्यक्रम में भारत और पूरे विश्व के अग्रणी विचारक, उद्योग जगत के अग्रिम पंक्ति के नायक, तकनीकी विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, नवोन्मेषक, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्तियां भी शामिल होंगी। सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इनसे कर्नाटक में निवेश का रास्ता साफ होगा। सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी, कर्नाटक सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और MM एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशंस के सहयोग से किया जा रहा है। और हमारे साथ आयशा खानम जुड़ रही है बेंगलुरु से, साथ ही साथ अरुण शर्मा भी जुड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात कर लेते हैं दोनों संवाददाताओं से। सबसे पहले आयशा के पास चलेंगे। आयशा, पहली बार वर्चुअली इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए जया, ये पहली बार है ये समिट वर्चुअल हो गया है, लेकिन कर्नाटक में बैंगलोर समिट जो है IT.com के नाम से शुरू किया गया था 1998 में और ये 23वां एडिशन है। और ये समिट जो है इसकी जो अगर हम इसकी जो विशालता अगर मैं बताना चाहूँ तो हर साल ये समिट पैलेस ग्राउंड में होता है, बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में होता है, जो विशाल जगह है, चलते चलते आप थक जाएंगे। तो लेकिन इस बार क्योंकि पैंडेमिक के चलते ये समिट जो है वर्चुअल हो गया है और आज यहाँ पर इसको इस 5-स्टार होटल में इसका उद्घाटन होगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये समिट का जो प्लेटफॉर्म है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 2.5 लाख लोग आज इस समिट में भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है कोरोना पैंडेमिक के चलते जो बदलाव आए हैं दुनिया में, कोरोना ने जिस तरह से दुनिया भर में उलटफेर किया है, लेकिन कहीं कोई ठहराव नहीं आया है। ये ठहराव इसलिए नहीं आया है क्योंकि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सक्रिय रही और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ काम चलता रहा वर्चुअली।
दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड रही। तो ये खास बात है इस आईटी समिट की और इस बैंगलोर टेक समिट की। और इसका जो विषय है नेक्स्ट इज नाउ, इसका मतलब यही है कि आगे चलकर जो टेक्नोलॉजी, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी और किस तरह से भविष्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी, ये तमाम चीजें इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जाएंगी। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि बैंगलोर एक आईटी हब है। बैंगलोर ने अमेरिका के सिलिकॉन सिटी का भारत से जवाब है, तो ये जो है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। ये यही कारण यही है कि बैंगलोर एक हब है, एक इकोसिस्टम है पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए। और आईटी इंडस्ट्री जो है बैंगलोर में, एक जो हब है बैंगलोर में, ये भारत का डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसका मूल आधार है, उसका न्यूक्लियस है। और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन डिजिटल इंडिया को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और डिजिटल इंडिया के जो तीन मूल आधार हैं, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है आईटी इंडस्ट्री के जरिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और उसी की एक और हम झलक आज देखेंगे कुछ देर में। आयशा, बिल्कुल आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत से यहाँ पर नामी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं, 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की इसमें भागीदारी होगी, कितना बड़ा अवसर है ये देशी कंपनियों के लिए? देखिए, साइज एंड स्केल की अगर बात की जाए तो बेंगलोर का जो टेक समिट है, हर साल उसने काफी ग्रो किया है। लेकिन इस बार का समिट या फिर टेक समिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो उसकी थीम है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज नाउ, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हम आज से 20 साल बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी 2030 में 2040 में भी भारत के अंदर दस्तक देती हुई दिखाई देंगी, वो एक्चुअली कोविड पैंडेमिक की वजह से 2020 में अब हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी है। किसी ने नहीं सोचा था कि जो बायलेटरल इवेंट्स है वो वर्चुअल हुआ करेंगे, जो मल्टीलेटरल फोरम्स पे जो इवेंट्स होते हैं वो वर्चुअल हुआ करेंगे। इतने बड़े साइज एंड स्केल के जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, वो भी वर्चुअली, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नंबर वन। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलोर में जब टेक समिट हो रहा है तो इसमें उनका विजन काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे हम टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो, ह्यूमनॉइड से जुड़ी हुई हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई हो, तो इसके लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, क्या कुछ नए नए लॉज में परिवर्तन किए जाएंगे और क्या उनका विजन रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खासकर इन न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के। क्योंकि हमने हाल में देखा कि सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया जो देश में OSPs या BPOs है उनको लेकर के, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती BPOs को, पहले एक लोकेशन पे काम करना जरूरी था लेकिन अब लोग घर में बैठकर के काम कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कॉन्सेप्ट को सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इससे देश के अंदर जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर जो BPO मार्केट है उसको बहुत ही बढ़ावा मिलने वाला है। लेकिन अब चूंकि हम नेक्स्ट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं कि भाई अब आगे जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी उसको लेकर के क्या कुछ विजन रहता है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जया, हमने देखा कि पिछले 6-7 महीने के अंदर सरकार ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे कि आप देखिए कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुरुआत करना, इसमें देश के यंगस्टर्स आते हैं और नई नई एप्स को बनाते हैं। आजकल के 10 और 11 साल के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं और 10 11 12 साल के बच्चे मोबाइल एप्स को बना करके प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो ये जनरेशन है इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत मैच्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि जो ग्लोबल अलायंसेस फॉर्म किए जाएंगे इस टेक समिट के माध्यम से, तो हमारे जो यंगस्टर्स है उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। और हाल ही में हमने जो बॉम्बे IIT का जो कॉन्वोकेशन देखा था जिसमें डिजिटल अवतार्स को क्रिएट किया गया था, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी को बहुत ही हाई लेवल पर लेकर के जा चुका है। यानी कि बॉम्बे IIT के स्टूडेंट वो इस चीज को इनोवेट कर रहे हैं कि बिना अटेंड किए किसी कॉन्वोकेशन सेरेमनी को वो डिजिटल अवतार के माध्यम से कॉन्वोकेशन को हेल्ड कर रहे हैं। तो जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आज का दिन कितना बड़ा होने जा रहा है जब तक टेक, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए। बिल्कुल, इस कोरोना के प्रभाव को भी कितना कम कर दिया इस तकनीक ने, जिसने इंसान को रुकने नहीं दिया और उसके सफर को जारी रखा। आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिस तरह से ग्लोबल अलायंस की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, किस तरह के विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे ताकि ये समिट बिल्कुल ऐतिहासिक हो? जी देखिए जी, 3 दिनों तक चलेगा ये समिट। और ख़ास बात यह है कि इस समिट में हर कुछ तमाम चीज़ें जो है वर्चुअल हैं, और जो आइडिया है लैब, जो आइडिया लैब में डेवलप होता है, इस आइडिया को मार्केट तक कैसे लाया जाए, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार है। और वर्चुअल होने के चलते ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस तरह से इनोवेशंस की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए
पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर सकता है। तो इस समिट में हर साल जो बैंगलोर टेक समिट होता है, हज़ारों की संख्या में कंपनीज हिस्सा लेती हैं और ये कंपनीज जो है एग्जीबिशन अपने आइडियाज़ के साथ यहाँ पर एग्जीबिशन में हिस्सा लेती है, लेकिन इस बार ये एग्जीबिशन वर्चुअल है और इसके ज़रिए कंपनीज एक दूसरे को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और विशेष बात ये रहेगी कि इस समिट में बायोटेक्नोलॉजी का जो खास एक मेल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का, ये विशेष रहेगा। और बायोटेक्नोलॉजी में जो चेंजेस, जो आइडियाज सामने आ रहे हैं, जो रिसर्च सामने आ रहा है, कटिंग एज रिसर्च सामने आ रहा है, और कोरोना जैसे पैंडेमिक के साथ, पैंडेमिक के खिलाफ किस तरह से एक जंग छिड़ी है, ये खास है, ये विशेष है। और इस समिट में ये तमाम चीजें, एक आईटी और बीटी का कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल आशा। अरुण, बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना के काल के दौरान भारत ने एक नई कार्य क्षेत्र, एक नई कार्यशैली का मंत्र दिया है पूरे विश्व को, प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे, किस तरह की मंत्र और गाइडेंस की उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री? जय, अगर आपको याद हो, हमने हॉलीवुड की मूवीज में देखा था कि कैसे रोबोट्स सर्व करते हैं, रोबोट्स हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। इस कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे रोबोट का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया कि कोविड पैंडेमिक के द्वारा टाइम पर हम लोग पेशेंट्स को सर्व कर सके। तो भारत में भी उस चीज को हमने देखा। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन करेंगे तो उनका विजन इस बात को लेकर के होगा कि टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहे हैं अगर इस कोविड पैंडेमिक के टाइम की बात की जाए। ये दोनों ने पूरी एक तरह से अर्थव्यवस्था को मूव करके रखा, अब एक तरह से कनेक्टेड रखा, और जो रिसर्च बायोटेक में हुई है वो एक तरह से एक रे ऑफ होप है पूरी दुनिया के लिए कि आखिर क्या कुछ रिसर्च होती है जिससे हम कोविड पैंडेमिक को पार पा पाए। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन खासतौर पर इस चीज को लेकर के रह सकता है कि क्या कुछ हाईलाइट्स थे पिछले 6 महीने में, ज्यादा कोविड की खिलाफ जंग की बात की जाए, और दूसरा प्रोमिनेंट बात रह सकती है क्या कुछ उनका विजन है आगे जाते हुए कि बायोटेक और आईटी, इसको लेकर के प्रधानमंत्री का विजन क्या कुछ है, क्या कुछ हाइलाइट्स रह सकते हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री बहुत ही लाइकली इस चीज को शेयर करें। बिल्कुल, अब एक पोस्ट कोविड हमने एक बड़ा बदलाव पूरे वैश्विक परिस्थितियों में देखा है और किस तरह से चुनौतियों को पार कर पा सकते हैं, इसी पर चर्चा होगी आज बेंगलुरु टेक समिट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा और अरुण फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तो काफी एक बदलाव हमने इस हमारे पूरे व्यावसायिक वातावरण में देखा है और क्या परिस्थितियां आगे और भी जटिल हो सकती हैं और अप्रत्याशित हो सकती हैं, प्रधानमंत्री का आज के संबोधन, उनके मंत्र पर आज हम हमारी नजर रहेगी। आज के दूसरे एजेंडे के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल आज एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और लक्समबर्ग के बीच बीते 2 दशकों में यह पहली शिखर बैठक होगी। दोनों नेता दुनिया में कोविड के बाद के हालात, भारत लक्समबर्ग सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के नेता पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और लक्समबर्ग ने हाल के दिनों में उच्च स्तरीय विचारों के आदान प्रदान को जारी रखा है। दोनों प्रधानमंत्रियों के पहले 3 बार मुलाकात हो चुकी है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आज की इस शिखर बैठक का क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में एक नए अध्याय की हम शुरुआत की बात कर सकते हैं भारत और लक्समबर्ग के रिश्तों की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, बेहद ही अहम, और खासतौर से आप जानते हैं कि लक्समबर्ग दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है अमेरिका और मॉरिशस के बाद, तो साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर, और पूरी दुनिया में जो भारत से इन्वेस्टमेंट आता है उसमें 15वां सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है लक्समबर्ग से आता है। तो इस लिहाज से देखें, देश बड़े भले ही थोड़ा छोटा हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी लक्समबर्ग में है और लक्समबर्ग जिस तरह का निवेश भारत में करता है, उस लिहाज से ये पूरी बातचीत काफी अहम हो जाती है। हमको पता है कि बीते दशकों में कई देश ऐसे रहे जया जो निग्लेक्टेड रहे विदेश नीति के मामले में, उन तमाम चीजों को, परिपाटियों को बदला गया खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और एक तरह से नए सोच के साथ विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाए। इसकी वजह से 2 दशकों में पहली बार ये स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा एक तरह से वर्चुअल तरीके से। दूसरी अहम बात है कि आप देखिए, सुषमा स्वराज साल 2018 में लक्समबर्ग जाने वाली पहली विदेश मंत्री थी, हालांकि 1998 में राष्ट्रपति के आर नारायणन वहां जरूर गए थे। उस लिहाज से कहें ये पूरी बातचीत बेहद अहम है। 3 बार मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री की लक्समबर्ग के पीएम के साथ, और बीते साल
यूएनजीए के दौरान भी ये मुलाकात हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारियों के हिसाब से खासतौर से लग्जमबर्ग के साथ अगर देखा जाए तो हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, इसके अलावा जो कई अहम ट्रीटीज हैं उनके साथ लग्जमबर्ग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य है। और जब वाजपेयी सरकार के समय जब न्यूक्लियर परीक्षण किया गया था उसके बाद कई लोग देशों ने जब पाबंदियां लगाई थी लग्जमबर्ग ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया था और उन पाबंदियों को हटाने की बात की थी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो या यूएनएससी का परमानेंट सदस्य के तौर पर भारत की सदस्यता का हमेशा लग्जमबर्ग समर्थन करता रहा। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने सही कहा सुधाकर, मोस्ट प्रेफर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो पायदान की आपने बात की, 2018 में 16वें स्थान पर था और एक छलांग लगाकर 15वें स्थान पर आ गया। 3 बिलियन से ज्यादा निवेश है लग्जमबर्ग का भारत में, किस तरह से देखते हैं भारतीय कंपनियों के लिए एक अवसर है। साथ ही साथ जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारत जो बहुत जल्द बहुत मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है निवेशकों के लिए, उस लिहाज से कितनी प्रमुख होने वाली है आज की शिखर बैठक? जी बिल्कुल, देखिए और खास तौर से बीते अगर इस साल की बात की जाए कोरोना महामारी के समय में, एक समय में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचा था, ठप पड़ रही थी, उस दौरान भारत में भी विदेशी निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा और लग्जमबर्ग जैसे देशों ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। लग्जमबर्ग का जो स्टॉक एक्सचेंज है, हम जानते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर जब बात होती है तो स्टॉक में, बॉन्ड्स में, कैश में, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है वो लग्जमबर्ग से लगातार आ रहा है और बड़े फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर अगर लग्जमबर्ग भारत में अवसर अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो वो बीते 5-6 वर्षों में जो भारत में बड़े सुधार हुए हैं उसकी वजह से मुमकिन हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, इनोवेशन की बात हो, और अब जब आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक बड़ा अवसर मिल रहा है तमाम विदेशी निवेशकों को, उस लिहाज से बातचीत जो आज की शाम की होने वाली है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। बिल्कुल, हमारी नजर रहेगी इस शिखर सम्मेलन में जो कि वर्चुअल तरीके से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर दास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए आज के तीसरे एजेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, आज विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। इस बार इसकी थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ष 2001 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। विश्व में सभी लोगों को 2030 तक शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना संयुक्त राष्ट्र के 6 सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में सबको शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। विश्व की एक बड़ी आबादी आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। देश में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर 2014 में 38.70% था जो अक्टूबर 2019 में बढ़कर 100% पर पहुंच गया। इस तरह हमने निर्धारित समय सीमा से 11 साल पहले ही शौचालय बनाने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल कर लिया। गांधी जी कहा करते थे कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। इसी मूल मंत्र को आत्मसार करते हुए मोदी सरकार स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने में सफल रही है। तो देश में स्वच्छता के प्रति व्यवहारगत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है ताकि पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF घोषित किया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य, इसके तहत प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों में जल की आपूर्ति और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना भी शामिल है। इसके साथ ही सड़कों और फुटपाथों की सफाई, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी इसका उद्देश्य था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2 उप अभियान शामिल हैं, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की अगर बात करें तो उसकी जिम्मेदारी
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। वहीं शहरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। अगर हम स्वच्छ भारत ग्रामीण पर गौर करें तो इसके तहत देश भर के ग्रामीण इलाकों में अब तक 10 करोड़ 71 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। देश में इस समय खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या 6,03,177 है। वहीं ओडीएफ जिलों की अगर आंकड़े पर नजर डालें तो यह है 706 जिले ओडीएफ हैं। पूरे देश में ओडीएफ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पर अगर नजर डालें तो वो 35 हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ भारत शहरी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत देश भर के शहरी इलाकों में 58,99,637 घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत में घरेलू शौचालयों का निर्माण लक्ष्य से कहीं अधिक हुआ और यह आंकड़ा है 62,17,572। इसी तरह 5,07,589 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें भी लक्ष्य से कहीं अधिक का निर्माण हुआ। 5,95,146 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हम कर चुके हैं। देश में इस समय ओडीएफ घोषित शहरों की संख्या की बात करें तो वो है 4,327। जी हाँ, 4,327 ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं शहर। इसी तरह ओडीएफ सत्यापित शहर का आंकड़ा है 4,225। वहीं यूएलबी सत्यापित ओडीएफ प्लस अगर हम बात करें तो 1,632 है आंकड़ा, और यूएलबी सत्यापित ओडीएफ प्लस प्लस के श्रेणी में 489 शहर आते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये तो थे आंकड़े, आंकड़ों की बात हमने कर ली, लेकिन यहां पर हम जानना चाहते हैं कि लोगों की सोच में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया है। जी, बिल्कुल सही कहा। व्यवहार परिवर्तन का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है स्वच्छ भारत अभियान, और जो हम ग्लोबल जो टारगेट की बात कर रहे थे 2030, और भारत ने 2019 में ही स्वच्छ भारत बना करके इस टारगेट को बहुत पहले लिया है, तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो लोगों की भागीदारी से जाता है। जिस प्रकार से इसको जन आंदोलन बनाया गया, जिस प्रकार से कैंपेन चलाए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए, लोगों को स्कूल कॉलेजेस में जा करके लोगों को समझाया गया, घरों में समझाया गया, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो कोशिश यही थी कि लोगों की सोच पर प्रभाव डाला जाए। जो लोग घर में शौचालय बनाने को मना करते थे उनको बताया जाए कि शौचालय घर का ही एक हिस्सा है, जो कि घर की न केवल साफ सफाई के लिए बल्कि आपकी स्वयं की जो बीमारी से सुरक्षा है वो करने में भी सहायता होता है। यूनिसेफ का मैं यहाँ आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा जिससे बात साफ होगी। यूनिसेफ कहता है कि जब जिस घर में शौचालय बना होता है उस घर में बीमारी पर खर्च होने वाले जो खर्च है उस पर 50,000 रुपये की सालाना बचत आती है। और इसी प्रकार से WHO ने कहा था कि जब स्वच्छ भारत अभियान समाप्त होगा या इसका पहला चरण खत्म होगा तो उसमें तब तक 3,00,000 बच्चों की जान को बचाया जा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए ये कितना बड़ा अभियान था, लोगों का जन अभियान था, लोग स्वयं इसमें उतर कर सामने आए, छोटे छोटे बच्चे स्वयं अपने घर वालों को मना कर देते हैं कि आप ये कूड़ा जो है बाहर मत फेंकिए, इसको आप डस्टबिन पर डालिए। तो लोगों की सोच ने ही इस मुकाम को हासिल किया है हमारे देश ने। जिस प्रकार से 11 साल पहले जो मैंने कहा कि ये जो ग्लोबल टारगेट था शौचालय बनाने का उसको हम लोगों ने अचीव किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच ने इस अभियान को एक जन अभियान बनाया जाए। बिल्कुल, और चंद्रशेखर, इस अभियान के कई पहलू थे, जहां इसने एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया, तो वहीं तमाम ऐसी प्रथाएं इससे जुड़ी थी जिनका उन्मूलन हुआ, मैला उठाने की प्रथा, तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिनका भी सफाया हुआ इस सफाई अभियान से। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें आपने बिल्कुल सही बात कही है, और दो अपने पहलू गिनाए हैं इसमें, एक तो आर्थिक पहलू इसका है, दूसरा एक सामाजिक पहलू जो उसका है। सामाजिक पहलू की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि शहरी क्षेत्र में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक टेक्नोलॉजी चैलेंज निकाला था जिसका मूल मंत्र यही था कि लोगों को हाथ से मैला ना ढोना पड़े, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इनोवेशन जैसे प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं नवोन्मेष इस प्रकार से आए कि टेक्नोलॉजी चैलेंज उसमें दिया गया ताकि नई नई टेक्नोलॉजीज निकलें जिससे कि लोगों को मैला जो
हाथ से ना ढोना पड़े। दूसरा जो आपने आर्थिक पहलू अपने बताया है, देखिए जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में इस ये जो हमारा स्वच्छ भारत ग्रामीण का जो सफर था वो सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ, क्योंकि उस दौरान देखिए कि शौचालय निर्माण को लेकर के रोजगार उत्पन्न हुआ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो जो पैसा होता है वो ट्रांसफर हुआ है लोगों के हाथ में, और 12,000 रुपये तो प्रोत्साहन राशि उनको दी ही गई थी। साथ ही साथ जो शौचालय निर्माण में जो जो रॉ मटेरियल जो लगता है उसको अगर आप देखें तो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए रेत है, बजरी है, उसको बनाने वाला जो प्लम्बर होगा या फिर जो मिस्त्री होगा वो जिस प्रकार से इसमें लगते हैं या मजदूर इसमें प्रकार से लगते हैं तो उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, और उसमें जो सामान के जो विक्रेता है उसकी आजीविका इसमें जुड़ी हुई है। तो छोटे छोटे स्तर पर अगर इसको आप देखेंगे तो एक लंबी सी चेन बन जाती है, और इसमें पैसा जो है वो हाथ से ट्रांसफर होता है दूसरे को, तो गाँव का पैसा गाँव में ही लग रहा है और गाँव के विकास में लग रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपने गिनाया जो वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है स्वच्छ भारत ग्रामीण में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे है आज, जी हाँ, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज ये है इस बार की थीम, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कुछ कहती है ये थीम। आज हमको कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं जिसमें पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई की बेहद अहम भूमिका है, तो वहीं पर्यावरण की बात आती है तो वहाँ पर भी ये खुले में शौच से मुक्त जो तमाम जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वो भी एक मिसाल कायम करते हैं। और आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और साथ ही साथ जारी है डीडी न्यूज़ की मुहिम भी। जी हाँ, अब मास्क नहीं पहनेंगे तो हम आपको टोकेंगे और कोरोना को रोकेंगे, इसलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और ढाक को ढककर रखें, अच्छे से मास्क पहने और उचित दूरी बनाए रखें। नमस्कार।